भाई आगे 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 एमएस करना मैडम आप आगे से थोड़ा आगे बात लेकिन अभी भी ना काम करती तो यहाँ से सीटें निकलती आग जलाई जा रही है गरीब बात क्या चाह रहा है आगे आप ना यार खर्च करो आगे कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे आराम की तरफ से अभी यहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल में मैं मुआयना करने आया था और चेक इंस्पेक्शन करने आया था और मैंने देखा कि बहुत सारी कमियाँ हैं, जनता को कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे दिल्ली सरकार ने हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी और हेल्थ और एजुकेशन के अंदर हम चाहते हैं कम से कम हेल्थ में लोगों को सारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में हमने सारी दवाइयाँ मुफ्त कर दी हैं, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए हैं, सारा इलाज मुफ्त कर दिया है। उसके बावजूद मैंने देखा कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो कि उनको कहा जा रहा है कि आप बाहर से करा के लाइए। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो उनको कहा जा रहा है कि बाहर से खरीद के लाइए। ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे कंज्यूमेबल्स ऐसे हैं जो कहा जाता है कि बाहर से खरीद के लाइए। इसका मतलब ऊपर से जो हम स्कीम बना रहे हैं और बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं, बेसिक टेस्ट ऐसे हैं जो कहा जा रहा है बाहर से करा लीजिए। इसका जो सरकार स्कीम बना रही है वो नीचे आके उसके इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो रही है। तो अभी यहाँ पे एमएस को भी मैंने डायरेक्शंस दिए हैं और मैं अभी जाने के बाद इस पर कार्रवाई करूँगा, एलजी साहब से भी बात करूँगा और जो जो उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है करेंगे। और इसके अलावा भी मैं अभी आने वाले दिनों में और भी कुछ हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करके जो जो सिस्टमिक लेवल पे चेंजेस करने की जरूरत है हम करेंगे। सर 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 एक मिनट सर, जब से आपने आदेश दो चीजें हुई हैं, एक तो जैसे कंज्यूमेबल्स के लिए मांग रहे हैं और दूसरा कुछ जगह बताया गया कि वो करने के लिए मान लीजिए वो गलत तरीके से पैसे मांगते हैं। उसके लिए भी मैंने अंदर एक दो महिलाएं मैं साथ लेके गया था, मैंने कहा आप आइडेंटिफाई करो डॉक्टर को या आइडेंटिफाई करो जो भी गार्ड वगैरह जो तो क्या कार्रवाई होने का अभी आसार है, क्या कार्रवाई करना? देखिए सारी दवाइयां हम पहुंचाएंगे, ये हम कमिटेड हैं, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। सारे टेस्ट होने चाहिए, अस्पताल में होने चाहिए, मुफ्त होने चाहिए, सारी दवाइयां मुफ्त मिलनी चाहिए, सारे कंज्यूमेबल्स मिलने चाहिए। तो जो भी करने की जरूरत है हम करेंगे। अभी अगर एमएस को बदलने की जरूरत पड़ेगी एमएस को बदलेंगे। सर शुरू में जो आपका आदेश हुआ था उससे अच्छी दवाइयां मिल रही हैं। एक और भी दिक्कत हो रही है कि जो हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आपका किसी वजह से यहाँ टेस्ट नहीं होता तो आप बाहर जाके प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हैं, अगर किसी वजह से आपका ऑपरेशन नहीं होता आप बाहर जाके प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा सकते हैं, सरकार पैसे देगी, उसके बारे में हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बता नहीं रहे हैं। तो या तो डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, हमें उनकी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी डॉक्टर्स की, क्योंकि इसमें तो किसी की गलत मंशा नहीं हो सकती, अवेयरनेस नहीं है इसका मतलब, तो डॉक्टर्स की भी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। सर स्टाफ की भी बहुत कमी है यहाँ पर, स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है।